और ये दूसरी पार्टी वाले जिन्हें डर लगता है अरविंद केजरीवाल की साफ राजनीति से, अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी से, जो कांपते हैं केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को देखकर, वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाए पंजाब में या किसी और सूबे में, और वो हर संभव कोशिश करेंगे। पहले अकाली दल ने कोशिश करी कि अरविंद केजरीवाल जी को रोके, नहीं रोक पाए। कांग्रेस ने कोशिश करी, नहीं रोक पाए। बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर साहब मिलके आम आदमी पार्टी को नहीं रोक पाए। तो अब सारे लोग मिलकर एक षड्यंत्र रच रहे हैं आम आदमी पार्टी को रोकने का। ये आम आदमी पार्टी सीधे तौर पे सवाल आज इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहती है कि किस मोर्चे को, किस ग्रुप को, किस किन किन लोगों को, किस पार्टी को रजिस्टर करने के लिए आप ये स्पेशल ट्रीटमेंट, ये विशेष संशोधन करके फैसिलिटेट कर रहे हैं, रियायत दे रहे हैं, किसको रजिस्टर करने के। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान इसके पंजीकृत होने से, इस पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्टर होने से किस पार्टी को होगा। तीसरा सवाल, किस पार्टी को इसका फायदा होगा इस मोर्चे के रजिस्टर होने से, कौन सबसे ज्यादा फायदे में रहेगा। चौथा सवाल, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि बीच चुनाव में कानूनों को ताक पे रखे, सारे संशोधन करके आप एक नई पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करें, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, ये हम पूछना चाहते हैं। और हमारा पांचवा सवाल, क्या आज ये नहीं पूछा जाए कि कौन कौन लोग हैं जो इस षड्यंत्र में हिस्सेदार हैं, जो हर कीमत पे आम आदमी पार्टी को रोकना चाहते हैं। ये पांच सटीक सीधे सवाल आम आदमी पार्टी के, मैं चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी और भारतीय जनता पार्टी भी इन सारे सवालों के जवाब हमें दे।